हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट। काफ़ी दिनों से कई स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर आप एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स पे वीडियो जरूर बनाएं, तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। पहले क्लास 11th की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जल्दी आपको 11th क्लास के भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5th, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है इसकी, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आईटा बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड आयटा इक्वल अंडर रूट माइनस वन इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं लिख देता हूं, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयटा बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड यहां पे जो आयोटा आया है ये वैल्यू है अंडर रूट माइनस वन इसकी इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज जनरली डिनोटेड बाई जेड, यानी जेड इक्वल ए प्लस आयोटा बी। अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, कोई नंबर जो ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में है, अब ये जो ए और बी है ये दोनों रियल नंबर होते हैं, ये आयोटा क्या है अंडर रूट माइनस वन, आयोटा की वैल्यू है अंडर रूट माइनस वन। जैसे अपन सोल्व करते हैं और मान लो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर माइनस 64 आ रहा है, ये तो पता है अपन को कि ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकते हैं ना, तो ये तो बाहर आएगा 8 और अंडर रूट में माइनस वन रह गया है। ये जो नंबर है इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते थे अपन, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको जो डिनोट कर रहे हैं वो आयोटा है, 8 आयोटा, आयोटा आई ओ टी ए आयोटा। अब ये जो आयोटा है इसकी वैल्यू आ रही है अंडर रूट माइनस वन। बोथ साइड स्क्वायर करने पे मिलेगा आयोटा स्क्वायर इक्वल माइनस वन, आयोटा की वैल्यू है अंडर रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर मिल चुका है माइनस वन, आयोटा क्यूब इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन इंटू आयोटा, माइनस वन इंटू आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा पावर फोर। आयोटा पावर फोर कैसे सोल्व करेंगे, जो आयोटा स्क्वायर है इसके स्क्वायर करने है तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे मिलेगा आयोटा, इधर तो एलएचएस में तो आयोटा पावर फोर, यहां पे माइनस वन स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर किया है तो इधर तो मिला है आयोटा पावर फोर और यहां पे माइनस वन स्क्वायर यानी पॉजिटिव वन। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, आयोटा अंडर रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा एंड आयोटा पावर फोर वन। अब इस पे डिपेंडेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो इनका जो सेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो है अपनी एक्सरसाइज एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 में। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एलोड द फॉलोइंग, पार्ट फर्स्ट अंडर रूट माइनस नाइन इंटू अंडर रूट माइनस वन हंड्रेड 21, इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई माइनस वन और इसको लिख सकते हैं 121 मल्टीप्लाई माइनस वन। ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 3 और स्क्वायर रूट के अंदर बच गया है माइनस वन मल्टीप्लाई सिमिलरली 11 अंडर रूट माइनस वन, सिंस अंडर रूट माइनस वन इक्वल आयोटा, यहां से मिल रहा है 3 आयोटा मल्टीप्लाई 11 आयोटा, 11 3 जा 33, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल माइनस वन। अब ये वैल्यू यहां पे पुट करनी है 33 मल्टीप्लाई माइनस वन नेगेटिव 33। पार्ट सेकेंड,
इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई माइनस वन, सेकेंड टर्म में भी सिमिलरली 49 मल्टीप्लाई माइनस वन। क्या से मिलेगा 5 आयोटा इंटू, यहां से मिलेगा 7 आयोटा, 5 7 जा 35 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, 35 मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस 35। पर थर्ड 16 मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस 3 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस 36 मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस 3 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई माइनस वन, यहां से मिलेगा 4 आयोटा, यहां से 5 इंटू 3 15 माइनस वन अंडर रूट में आयोटा प्लस, यहां से मिलेगा 6 और आयोटा माइनस, यहां से मिलेगा 4 12 3 4 3 जा 12 आयोटा, पॉजिटिव 15 प्लस 4 19 प्लस 6 25 आयोटा माइनस 12 आयोटा 13 आयोटा। पार्ट फोर्थ 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 4 इंटू 9 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 5 इंटू 16 मल्टीप्लाई माइनस 1, क्या से 2 स्क्वायर रूट से 12 आएगा, 2 3 जा 6 आयोटा अंडर रूट माइनस 1 आयोटा, यहां से 3 मिलेगा 3 4 जा 12 आयोटा, यहां से 4 नेगेटिव है 4 5 जा 20 आयोटा 18 आयोटा माइनस 20 आयोटा माइनस 2 आयोटा। पार्ट फिफ्थ 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 बाई 4 मल्टीप्लाई माइनस 1, यहां से मिलेगा 2 आयोटा और ये जो नंबर है 3 बाई 4 यहां से 9 बाई 4 यहां से मिलेगा 3 बाई 2 और माइनस 1 आयोटा बनेगा, ये 2 कैंसिल हो चुके हैं, 3 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल माइनस 1 तो यहां से मिलेगा माइनस 3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड एलोड द फॉलोइंग पार्ट फर्स्ट आयोटा पावर 243, सबसे पहले इसको आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करते हैं, यहां पे पावर 4 है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके समथिंग पहुंच जाएंगे, यानी 60 इंटू 4 240। अब यहां पे तो पावर 240 नहीं है 243 है, इसका मतलब पावर 3 एक्स्ट्रा है तो उसको अलग से लिख रहे हैं आयोटा क्यूब। आयोटा पावर 4 1 की पावर 60 1 ही मिलेगा और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा आंसर। पार्ट सेकेंड इसमें पहले पावर को पॉजिटिव करना है और वो कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके, रेसिप्रोकल करेंगे तो आयोटा की पावर पॉजिटिव 79 मिलेगी। अब यहां पे भी पावर 4, अब इसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके समथिंग पहुंचेंगे, 19 4 जा 76 लेकिन एक्स्ट्रा पावर 3 है, 79 है यहाँ पे यानी पावर 3 एक्स्ट्रा है। अब इसकी वैल्यू तो है 1 और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, यहां पे ध्यान देने की बात ये है कि डेनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अब डेनोमिनेटर से आयोटा कैसे हटाएं, तो ये जो डेनोमिनेटर में नंबर आ रहा है इसका रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई आयोटा अपॉन आयोटा, यहां पे मिलेगा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस 1 लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव 1 यानी आयोटा।
पार्ट थर्ड, इसमें भी सबसे पहले पावर पॉजिटिव करेंगे, 1 अपॉन आयटा पावर 38, 1 अपॉन आयटा पावर 4, इसको 9 से करेंगे तो मिलेगा 36, अभी भी 2 पावर और हैं, उनको अलग से लिखना है। आयटा पावर 4 1 अपॉन, ये तो कंप्लीट 1 हो चुका, उसके साथ मल्टीप्लाई है आयटा स्क्वायर, 1 अपॉन आयटा स्क्वायर होते हैं माइनस 1, सोल्व करने पे मिलेगा माइनस 1। पार्ट फोर्थ, 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा पावर 4 प्लस आयटा पावर 6, 1 आयटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 प्लस आयटा पावर 4 प्लस 1, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता अपन को, तो उसके लिए इसको आयटा पावर 4 फॉर्म में लिखेंगे। यहां पे पावर 4 तो लिख चुके हैं, लेकिन पावर 2 और बाकी बची हुई है, तो उसको अलग से मल्टीप्लाई में लिखना है। ये कैंसिल हो चुके हैं, 1 प्लस आयटा पावर 4 1, और यहां पे आयटा स्क्वायर, 1 आयटा स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0। पार्ट फिफ्थ, आयोटा प्लस आयटा पावर 5 मोर देन 4 है, तो पावर 4 फॉर्म में लिखेंगे पहले इसको, इनटू पावर 1 और अलग है, प्लस इसको भी, ये भी मोर देन 4 है, तो इसको भी आयोटा पावर 4 फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 भी लिखेंगे, 4 टू जा 8, अब एक्स्ट्रा पावर 1 आ रही है, तो उसको अलग से लिखना है मल्टीप्लाई में, प्लस यहाँ पे आयोटा 4 13 आना चाहिए इसके आसपास, 4 3 जा 12 तो आ चुके हैं, पावर 1 और बची हुई है, उसको अलग से लिखना है। आयोटा यहाँ पे मिलेगा प्लस 1 इंटू आयोटा, आयोटा यहाँ पे मिलेगा 1 इंटू आयोटा, आयोटा यहाँ पे मिलेगा 1 इंटू आयोटा, आयोटा 1 2 3 4 4 आयोटा। पार्ट सिक्स, 1 प्लस आयोटा पावर 10, इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इंटू 2 आयटा पावर 8 इंटू आयटा स्क्वायर, अब हो चुकी है आयटा पावर 10, इसको लिखे आयटा पावर 4 पावर 25, 25 4 जा 100, आयटा पावर 4 इसको लिखे 250, 250 इंटू 4000, यहां से मिलेगा 1 और ये तो प्लस 1 हो चुका है, लेकिन इसके साथ है आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर होता है माइनस 1, यहां पे मिलेगा प्लस 1, आयटा पावर 4 1, 1 पावर 25 1 प्लस सिमिलरली 1, ये टर्म कैंसिल, 1 प्लस 1 2। पार्ट थर्ड, सॉरी पार्ट सेवन, 2 इंटू आयटा स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पे मिलेगा माइनस 2, आयटा क्यूब क्या होता है माइनस आयटा, तो यहां पे मिलेगा माइनस 6 आयोटा, आयटा पावर 16, इसको पावर 4 में लिखेंगे पहले, तो 4 4 जो 16 माइनस 6 इंटू आयटा पावर 4, 4 4 जो 16, लेकिन यहाँ पे 19 है, तो आयटा क्यूब अलग से लिखना पड़ेगा, प्लस 4 इंटू आयटा पावर 25, तो इसको पावर 4 में लिख रहे हैं, आयटा पावर 4 इंटू 6 24, 1 पावर एक्स्ट्रा है, उसको अलग से लिख रहे हैं, माइनस 2 माइनस 6 आयोटा, यहाँ पे मिलेगा 1, 1 इंटू 3 3, यहाँ पे मिलेगा 1, लेकिन आयटा क्यूब माइनस आयटा, वो माइनस इससे मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 6 है, ये तो 1 हो चुका, यहाँ पे आयटा बच गया, आयटा स्क्वायर तो माइनस 1 हो गया, यहाँ पे मिलेगा 1, 1 इंटू 4 4 मल्टीप्लाई आयोटा, 3 माइनस 2 1, माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा कैंसिल, प्लस 4 आयोटा। पार्ट 8, ये कंजेक्टिव पावर आ रही है 12 13 14 एंड 15, we know that sum of four terms of consecutive power of iota is zero, iota ki four power consecutive honi chahiye, तो उनका जो सम करते हैं वो जीरो आता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट ही जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एलोड द फॉलोइंग, पार्ट फर्स्ट,
यहां पे मोर देन फोर है तो इसको चेंज करना पड़ेगा आयटा पावर फोर, पावर फोर, फोर फोर जा 16, लेकिन यहां पे 19 है, एक्स्ट्रा पावर 3 है, प्लस ये 1 अपॉन आयटा पावर 25 है, उसको लिख सकते हैं आयटा पावर 4 इंटू 6 24, एक्स्ट्रा पावर 1 आएगी, यानी आयटा कंप्लीट पे होल स्क्वायर है, ये मिलेगा आयटा पावर 4 1 1 इंटू आयटा क्यूब। अब आयटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयटा, प्लस यहां पे 1 1 इंटू आयटा आयटा यानी 1 बाई आयटा होल स्क्वायर। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं इसको, एलसीएम हमारा आयटा यहां पे मिलेगा माइनस आयटा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इधर मिल रहे हैं आयटा स्क्वायर माइनस 1, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 1, प्लस 1 अपॉन आयटा होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 अपॉन आयटा होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, 4 अपॉन माइनस 1 यानी माइनस 4। पार्ट सेकंड, आयटा पावर 592, 590, 588, 586, 584 अपॉन आयटा पावर 582, 80, 78, 76, 74। यहां पे न्यूमरेटर में आयटा पावर 584 कॉमन आ रही है तो यहां पे मिलेगा आयटा पावर 8, यहां पे मिलेगा आयटा पावर 6, आयटा पावर 4, आयटा स्क्वायर 1 अपॉन नीचे भी जो स्मॉलेस्ट पावर है आयटा पावर 574 ये कॉमन आ रहा है तो यहां पे मिलेगा आयटा पावर 8, आयटा पावर 6, पावर 4, स्क्वायर 1। अब ये टर्म सेम है, ये टर्म कैंसिल हो चुकी है तो अपन को मिल रहा है आयटा पावर 584 अपॉन आयटा पावर 574, आयटा पावर 584 ये ऊपर जाएगी तो साइन चेंज होगा माइनस 574 आयटा पावर 10। अब ये जो आयटा की पावर 10 आई है इसको पावर 44 में लिखना है, स्क्वायर 4 टू जो 8, एक्स्ट्रा पावर 2 है, इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है और आयटा स्क्वायर होता है माइनस 1, ये आंसर है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी कौन सा पार्ट होता है, सबसे पहले वो सीखेंगे अपन। लेट जेड इक्वल ए प्लस आयोटा बी, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और उनको किससे डिनोट किया जाता है वो चीज यहां पर सीखेंगे। रियल पार्ट, रियल का मतलब इमेजिनरी नहीं है तो इसका मतलब विदाउट आयटा वाली जो टर्म है यहां पे ए है, ये है इसका रियल पार्ट। और रियल पार्ट को आर ई जेड इससे डिनोट किया जाता है, मान लो यहां पे पी होता तो यहां पे आता आर ई पी। ये जो ए प्लस आयटा बी कौन डिफाइन कर रहे हैं, जेड है तो आर ई जेड, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इसका रियल पार्ट वो क्या है, ए, विदाउट आयटा वाली टर्म जो है ए। अब दूसरा पार्ट इसका, दूसरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को आई एम ऑफ जेड इससे डिनोट करते हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जेड का जो कॉम्प्लेक्स, जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है कोफिशियंट ऑफ आयोटा, आयोटा का जो कोफिशियंट है और वो यहां पे है बी। इसके दो केस बनते हैं, व्हेन बी इक्वल जीरो, अगर बी की वैल्यू जीरो हो तो ये टर्म जीरो हो चुकी है तो जेड इक्वल क्या मिलेगा ए, ये टर्म तो जीरो हो चुकी है, इसका मतलब इसमें आयटा नहीं है, रियल पार्ट है, ओनली रियल पार्ट, तो इसको बोलते हैं प्योरली रियल नंबर।
ये जो जेड इक्वल ए आया है ये प्योरली रियल नंबर है। केस सेकंड, व्हेन ए इक्वल जीरो, अगर यहां पे जीरो कर दे, ए को जीरो कर दे तो जेड इक्वल आयोटा भी मिलेगा। अब इस नंबर में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट नहीं है तो इमेजनरी पार्ट ही बचा हुआ है, तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेजनरी नंबर। अब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट की जो कंपेयर करते हैं वो सीखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ पार्ट फर्स्ट 4x प्लस आयटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल 3 माइनस आयटा 6। यहां से x और y फाइंड करना है और इसने LHS में RHS में दोनों में अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, x और y फाइंड करेंगे कंपेयर करके, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। यहां पे इमेजनरी पार्ट आयटा का कोफिशिएंट और रियल पार्ट विदाउट आयटा वाली जो टर्म है वो, यानी 4x, और इसमें विदाउट आयटा वाली टर्म है 3, तो सिंपली यहां से एक्सपेंड हो चुका है 3/4। अब कोफिशिएंट ऑफ आयटा LHS में तो मिल रहा है 3x माइनस वाई और RHS में माइनस 6। एक्स की वैल्यू पुट करते हैं यहां पे 3 मल्टीप्लाई एक्स 3/4 माइनस वाई इक्वल माइनस 6, 9/4 माइनस वाई इक्वल माइनस 6, 9/4 प्लस 6 ये इधर आएगा प्लस वाई, 9 प्लस 24 अपॉन 4 इक्वल वाई, वाई फाइंड हो चुका है 33/4। पार्ट सेकंड, 3y माइनस 2 प्लस आयटा इंटू 7 माइनस 2x इक्वल 0। RHS में 0 आ रहा है इसका मतलब यहां पे रियल पार्ट भी 0 है और इमेजनरी पार्ट भी 0 है। कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। रियल पार्ट 3y माइनस 2, इधर रियल पार्ट भी 0 है और इमेजनरी पार्ट भी 0 है, यानी इक्वल 0, तो यहां से y फाइंड हो चुके हैं 2/3। अब इमेजनरी पार्ट लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आयटा 7 माइनस 2x, इधर क्या है, इधर 0 है इमेजनरी पार्ट, 7 इक्वल 2x, x फाइंड हो चुके हैं 7/2। पार्ट थर्ड, 3/√5x माइनस 5 प्लस आयटा इंटू 2√5 इंटू y इक्वल √2। यहां पे रियल पार्ट दे रखे रूट टू, इमेजनरी पार्ट नहीं है, आयटा 0 लेट कर सकते हैं, यानी इमेजनरी पार्ट जो है वो 0 है यहां पे। कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। रियल पार्ट 3/√5x माइनस 5 और इधर है अंडर रूट 2, 3/√5x इक्वल अंडर रूट 2 ये इधर आएगा प्लस 5, एक्स इक्वल √5/3 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू 5 प्लस अंडर रूट 2, एक्स फाइंड हो चुके हैं। वाई के लिए ये जो इमेजनरी पार्ट है 2√5y इसकी कंपेयर करनी है इसमें जो इमेजनरी है यानी 0 से, तो यहां से y इक्वल 0 मिल चुके हैं, एक्स फाइंड हो गया, y फाइंड हो गया।
पार्ट फोर्थ, इसमें भी कंपेयर करते हैं, यहां पे रियल पार्ट 1/3 x - 1/4 y और इधर रियल पार्ट -3, इमेजिनरी पार्ट 3/4 y, इधर इमेजिनरी पार्ट 5, यहां से पहले y फाइंड कर लेते हैं, 5 × 4/3 20/3। अब ये जो y की वैल्यू है इसको यहां पे पुट करते हैं तो x मिलेगा 3/1/3 x - 1/4 y 20/3 इक्वल -3, ये सिंप्लीफाई हो चुके हैं, x/3 - 5/3 इक्वल -3, x - 5/3 -3, x - 5 इक्वल -9, मल्टीप्लाई हो चुके हैं, -9 + 5 x इक्वल -4।